एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करती हैं दो बिंदुओं पर, और इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वह 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, जो दोनों की उभयनिष्ठ जीवा है उसकी लंबाई क्या है, ये हमें बताना है। तो हमने यहाँ पर फिगर बनाया है। इसी प्रकार से आपको फिगर बनाना है। मान लीजिए कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर यहाँ P है, ये जो सेंटर ये O है, ये बड़े वाले वृत्त का है, और इसका सेंटर हमने मान लिया है ये यहाँ P है। दोनों के बीच की जो दूरी है वह 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। इसके बाद ये जो छोटा वाला वृत्त है इसका सेंटर यहाँ, तो इसकी त्रिज्या ये हो गई AP, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इसके बाद OA जो है ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, इसे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करके मिला देंगे, तो ये है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं गिवन OP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AP 3 सेंटीमीटर, OA 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें ज्ञात करना है AB, यानी ये जो जीवा है AB कॉमन कॉर्ड है दोनों वृत्तों की, इसकी लेंथ क्या है ये हमें बताना है। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल हम लेंगे ट्रायंगल APO, इन ट्रायंगल APO, AP, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 3 9, OP, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू, OP 4 है, 4 का स्क्वायर 16, OA, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो 25 है 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यानी कि AP का स्क्वायर और OP का स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा OA के स्क्वायर के बराबर। तो लिख सकते हैं OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। 25 है इज इक्वल टू AP 9 है और प्लस में OP हमारे पास है 16। तो ये यहाँ से जब ये होता है तो ये पाइथागोरस प्रमेय में होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं बाई, देयरफॉर बाई कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ट्रायंगल APO, ये जो हमारा ट्रायंगल है APO, ये ट्रायंगल हमारा इसलिए राइट एंगल है। ट्रायंगल APO इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और यह जो राइट एंगल है यह है पॉइंट P पर है, यानी पॉइंट P जो है यह 90 डिग्री का है। तो यहां लिख सकते हैं राइट एंगल्ड एट P। नाउ इन बिगर सर्कल, इन बिगर सर्कल,
बड़े वाले सर्कल में तब ओपी परपेंडिकुलर एबी, ओपी परपेंडिकुलर एबी, और रीजन हम लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और थ्योरम हमारे पास है, थ्योरम कहती है हमारी जो है, थ्योरम 9.3 हमें ये बताती है, जब केंद्र से कोई रेखा जीवा पर लंब होती है तो जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एपी देयरफॉर एपी इज इक्वल टू 1/2 AB, 1/2 AB। एपी यहां पर हमें 3 दिया हुआ है, 3 इज इक्वल टू 1/2 AB, 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 × 2 AB, तो 6 इज इक्वल टू AB। या हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 6 cm। तो ये इसका राइट आंसर है। देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉमन कॉमन कॉर्ड इज 6 cm।